अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अर्ली व्लॉग। जी हाँ, तो सुबह का आगाज हो चुका है, हमने नाश्ता कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, चाय भी पी ली है। जी तो आज का दिन यहाँ से शुरू होता है कि आपको बताते रहते हैं कि आज क्या करना है। काम तो बहुत सारे हैं, तो इन टच रहिएगा। काम बहुत है, करना कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, तो इन टच रहिएगा। जी देखते हैं, आप भी देखें, मैं भी देखता हूँ। जी हाँ, तो थैंक्स फॉर द सपोर्ट, आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हम दोनों को, और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। और आज की हमारी खुद ही रूटीन देखें कि आज हम लोग क्या करते हैं। बाहर जाने का भी प्लान है, तो जो है मैं आपको इन टच रखूँगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, स्टे ट्यून्ड। मेरी ग्रे वाली शर्ट निकालोगी और मेरी ग्रे वाली पैंट? नो। हाँ नो। हाँ, ग्रे पैंट और ग्रे शर्ट? हाँ, मैं आज वो ही पहनूंगा। ग्रे पैंट कौन सी आपके पास? ग्रे शर्ट और ग्रे और ब्लू पैंट, कल वाली। तो ठीक है, कल जो पार्क में पहनी थी ब्राउनी, वही ब्लू पैंट। ग्रे जॉगर्स पहनने पड़ेंगे। ठीक है, ओके ओके। देन जॉगर साफ कर देना, मैले हो रहा है। मैं उससे मिट्टी कब इधर 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 लगी हुई है। मैं सब करता हूँ। ओके ओके ओके, पक्का? जी पक्का, 100%। ओके, और आज क्या काम करोगे? अब देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। लेट्स, अभी तो बाहर जाने की तैयारी है। चलो, अभी से बाहर जाने की तैयारी? जी, 5:30 बजे निकलना है ना। 5 बजे निकलना है। अभी तो 1 बजा है। 1 का बजे है सुने? 1 बजा है। अच्छा, चलो देखते हैं, घर के काम निपटा लो, मेरे कपड़े निकालो, मेरी शर्ट इस्त्री करो, चलो शाबाश काम करो। हाँ भी करते हैं, कैमरा बंद करे, करते हैं, देखें सौरभ को, धमकी दे रही अपने मियाँ को। हे माँ, माता जी। जी तो नाजरीन, हम लोग रेडी हो चुके हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, और हम लोग जा रहे हैं अभी किधर? कॉर्निश बीच, कॉर्निश बीच की मशहूर जगह कॉर्निश। जी तो हम अभी फ्यूल डलवा रहे हैं। जी तो हम लोग आए हुए हैं चाय वाला पे। चाय वाला, चाय पीजिए ना, छेड़ मलंगा लू। हाँ, तो हम लोग आए हुए हैं चाय वाला पे, और अब मेन्यू डिसाइड किया जा रहा है कि क्या ऑर्डर करवाना है। सुने सुने, चिकन पेपरोनी, न्यूट्रेला बारबेक्यू चिकन, चिकन चिकन पिज़्ज़ा, चिकन चीज़, चिकन अचारी, चिकन मेयो, चिकन गार्लिक, कौन सा चाहिए मैडम, जल्दी बताओ। जी तो ये आप ये देखिए, यहाँ का इंटीरियर कितना अच्छा है, इन्होंने कितना देसी टच दिया हुआ है, सीरियसली ये बहुत अट्रैक्टिव है। मैं आपको दिखाती हूँ, इन्होंने ट्रक और रिक्शा बनाया हुआ है, रियली लाइक दैट।
यहाँ का, और ये यहाँ शायद पराठे बन रहे हैं। ये देखिए कितना क्यूट है दीक्षा बना हुआ। जी तो आप ऑर्डर दिया जा रहा है, एक चिकन बारबेक्यू पराठा, एक चिकन चीज पराठा, दूसरा तो मीठा पराठा, एक मीठा पराठा। जी तो ऑर्डर हमने दे दिया है, आपने सुना होगा कि हमने क्या क्या ऑर्डर दिया है, फिर आपको रिव्यू भी ज़रूर देंगे यहाँ का। और ये बारबेक्यू चिकन भी डल चुकी है, चिकन चीज और चिकन बारबेक्यू चीज। ये हमारे दो पराठे, चिकन चीज और बारबेक्यू चीज। ऊपर से एक्स्ट्रा चीज मोज़रेला। बारबेक्यू सॉस ऊपर से दूसरा पराठा लग गया। तो ये मेरी बेगम तस्वीरें खिंचवाते हुए। जी तो ये ऑर्डर हमारा आ चुका है, ये बारबेक्यू चिकन चीज पराठा है, ये चीज पराठा और ये बन कबाब, चिकन चीज, बारबेक्यू चिकन, मीठा भी रहता है, ये बन कबाब और ये मीठा पराठा। जी तो ये है चाय और पराठा, बेस्ट कॉम्बिनेशन। जी तो नाजरीन, जी तो हम लोगों ने यहाँ से जो है खा लिया, बहुत मज़े का सब चीज़ें थी, बहुत ही यमी। मुझे तो कराची की याद आ गई थी ना, सारी चीज़ें बहुत अच्छा था। कराची के जो हमारे मामों के होटल हैं पठानों के, माशाल्लाह वैसी चाय थी, वैसे ही पराठे थे, बहुत मज़ा आया। अगर रेट किया जाए तो 10 out of 10 चाय वाला।
जी तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं सुल्तान साहब के महल पे, आलम पैलेस नाम है जगह का, आलम पैलेस। और ये गेट है, ये यहाँ का गेट है। और यहाँ पे नेशनल डे स्टार्ट होने वाला है, मतलब मंथ तो स्टार्ट हो चुका है। 18 नवंबर को नेशनल डे होता है, तो उस सब की तैयारियाँ चल रही हैं फुल ऑन। ये डेकोरेशन, ये हमारे यहाँ के फ्लैग का कलर है रेड ग्रीन और वाइट, तो पूरे डेकोरेशन पूरा मस्कट जो है वो डेकोरेट हुआ हुआ है। जी तो नाज़रीन हम लोग पहुंच चुके हैं महल के और करीब, जैसे कि आपको पीछे नज़र आ रहा है महल। ये जो डोर है ये यहाँ के जो किंग है उसका पैलेस है, और बिल्कुल हम बस करीब ही हैं, वहाँ भी जाएंगे। बाकी डेकोरेशन तो आपने देखी है, मैंने आपको बताया था नेशनल डे आने वाला है यहाँ का। घूम के दिखा देते ना डेकोरेशन। जी 360 व्यू दिखा दीजिए। ये देखें पीछे आपको लाइट्स नज़र आ रही हैं, ये पीछे सारी डेकोरेशन हुई हुई है नेशनल डे की। مركوز حبها ركز بوال وريدي واخره وتباهي يا دارنا بين الكواكب شموس يا بن عبادي علو هيثمنا منا ولنا انعاهد بالنفوس يا بن عبادي علو وتباهي يا دارنا بين الكواكب شموس يا سيدي هيثمنا منا ولنا انعاهد بالنفوس. تو جناب ہم لوگ پہنچ چکے ہیں محل کے پاس بالکل قریب، ماشاءاللہ بہت پیارا محل ہے جی. تو یہ دیکھیے چھوٹے چھوٹے سے بچے جو ہے نا نیشنل ڈے کی سیلیبریشن کی پریکٹس کر رہے ہیں، کتنے کیوٹ لگ رہے ہیں. خنيار وباكورة ومصر تزهى علامات النظر والراية ترفرف فخر في جمع ناس نشاهده وخمسين عام بعد عام وانتي عطايا. جي تو ہم لوگ باہر آ چکے ہیں اور یہ باہر کا ویو ہے اس کا. من كل عين حاسدة خنيار وباكورة ومصر تزهى علامات النظر. یہ پیلس کے باہر کا انٹرنس ہے، یہ راؤنڈ اباؤٹ ہے. اور وہ ایک آفس ہے، اور یہاں سے آپ انٹر ہوتے ہیں پیلس کے لیے. ارے یہ ناظرین میں تو بھول گیا بلاگ اینڈ کرنا. جی تو جیسے کہ بیگم صاحبہ سو چکی ہیں اور بلاگ مجھے اینڈ کرنا پڑ رہا ہے. ہاں صحیح، اچھا بال سیٹ کر. آج بیگم نہیں ہے تو بال خود ہی سیٹ کرنے پڑنے ہیں وہ، کیونکہ وہ سو گئی ہیں ماشاء اللہ. جب سے بچے آمین. تو آج کی آج آپ نے روٹین دیکھی، اچھی تھی، انجوائے کیا. پورا دن تقریباً باہر ہی گزرا ہمارا، ابھی گھر پہ آئے، کھانا بھی کھایا، تھکے ہوئے تھے تو اینڈ کرنا ہو تو ہو گئی ہیں بیگم، انہوں نے اینڈ نہیں کیا، میں نے اینڈ کر دیا. چلو بڑا مزہ آیا، تو ہمارے ساتھ بنے رہیے، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. بیل آئیکن کو، ادھر بیل آ رہی ہے بیل آئیکن، اس کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے ٹنگ کر کے. اور کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئے دن کے ساتھ، نئی شروعات کے ساتھ، نئے جو بھی ہوگا کل، کل کی کل دیکھیں گے. چلو ٹھیک ہے، اللہ حافظ. اور پتے کی بات، اگر آپ یہ ویڈیو 10 لوگوں کو شیئر کریں گے اور 10 سبسکرائبرز لا کے دیں گے تو لازمی آپ کو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی خوشخبری ملے گی.